औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ के बागवानिया स्थित एक निजी उद्योग में ओवरलोड ट्रैक्टर धान की पराली सप्लाई कर रहे हैं। पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों से धान की पराली कटाई के बाद उद्योगों में सप्लाई हो रही है। बस पराली को ट्रैक्टरों के माध्यम से उद्योगों तक पहुंचाया जा रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली में पराली काफ़ी ऊंचाई तक लोड की जाती है और काफ़ी बाहर भी निकली होती है, जिसे आने जाने वाले वाहनों को क्रॉस करने में काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। नालागढ़ कॉलेज के समीप आरटीओ विभाग नालागढ़ ने दो ट्रैक्टर ट्रालियों को बिना परमिट पराली लेकर जाते हुए पकड़ा। इन ट्रैक्टरों को सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इन्हें कमर्शियल में इस्तेमाल किया जा रहा था। वहीं इन ट्रालियों पर पराली भी ओवरलोड करके सप्लाई की जा रही थी। विभाग ने दो ट्रैक्टरों को जब्त करते हुए कड़ी कार्रवाई अमल में लाई है। आरटीओ नालागढ़ का अतिरिक्त चार्ज संभाल रहे मदन शर्मा ने बताया कि बिना परमिट के दो ट्रैक्टरों को पराली ले जाते हुए पकड़ा, जिस पर अवैध रूप से पराली को ओवरलोड तरीके से ले जाया जा रहा था। उन्होंने बताया कि दोनों ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया गया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि बीते दिन भी एक ट्रैक्टर को पकड़ा था, जिस पर 35,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया था। इसमें रिस्पेक्टेड CEO BBNDA द्वारा 4 तारीख को एक मीटिंग ली गई थी, जिसमें ये आदेश जारी किए गए थे कि जितने भी ट्रैक्टर इलीगल चल रहे हैं उसके ऊपर आप कार्रवाई करें। ना तो इसमें नंबर प्लेट लगी होती है इनमें, और ना ये टैक्स एग्रीकल्चर ट्रैक्टर है पंजाब या दूसरे हरियाणा स्टेट से एंटर हो रहे हैं, और इसमें रोड सेफ्टी का भी बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है, जिसके ऊपर जहाँ पे एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। तो इस करके हमने तीन चार दिन से चलान अभियान चलाया हुआ था, जिसमें 7-8 ट्रैक्टर के हमने चलान किए हैं, और एक ट्रैक्टर कल अंदर किया था, 2 आज जब्त किए गए हैं। तो एक ट्रैक्टर जो कल अंदर किया था उसको 35,000 फाइन किया गया है और आज उसको छोड़ दिया है। तो जो 2 ट्रैक्टर है वो अभी अंदर ही है, उसमें अभी जो भी मालिक आएगा उसके द्वारा जो उसके उसमें जो भी फाइन पेनल्टी बनती है वो भर के उसके बाद उसको भी उनको भी छोड़ेंगे। लेकिन जो मेजर कंसर्न है रोड सेफ्टी का या इन एग्रीकल्चर ट्रैक्टर के ना चलने का, क्योंकि ये विदाउट परमिट है और ये अपनी जो खेतीबाड़ी किसान करता है उसके लिए ही रजिस्टर्ड हुए हैं, तो पर्टिकुलरली इसके बाहर ये जा नहीं सकते। तो जिस कंपनी में ये राज इंडस्ट्रीज एक कंपनी बागवानिया में है, उसमें ये जाते हैं अपना ये पराली लेकर के, तो वहाँ कंपनी से भी के उनसे भी बात हुई है, जो रिप्रेजेंटेटिव कंपनी के आए थे उनसे भी बात हुई है कि उन्होंने कहा है कि हमें 1 हफ्ते का टाइम दे दिया जाए, तो 1 हफ्ते 10 दिन में वो कुछ ना कुछ अल्टरनेट करके, ताकि प्लांट भी चला रहे और ये एग्रीकल्चर ट्रैक्टर भी ना चले। इसके बाद कोई दूसरा रास्ता वो गाड़ियों का, कोई दूसरी गाड़ियाँ जो भी इसको पराली ला सकती है उनको वो एग्रीमेंट उनके साथ कर सकते हैं। अभी 3 ट्रैक्टर अंदर किए हैं, जिसमें से 2 आज किए हैं और 1 पिछले कल किया था। तो एक तो अभी रिलीज़ कर दिया है आज, जिसमें 35,000 रुपया कंपाउंडिंग फ़ी भरी गई है, और 2 अभी अंदर हैं। फाइन इसमें जैसे कि एक गाड़ी थी, एक ट्रैक्टर को हो चुका है 35,000 का, तो ये भी सिमिलर ही एक्शन, इस पर भी कंपाउंडेबल ऑफेंस है, तो ये भी इतने 70,000 इन दोनों का इसमें पेनल्टी कंपाउंडिंग फ़ी बनेगी। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।